हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों दोस्तों ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ लोगों का कमेंट ज़्यादा आ रहा था कि आप अपने युगल सरकार के ड्रेसेस दिखाइए, तो आज मैं वही दिखा रही हूँ। देखिए मेरे युगल सरकार का ये ड्रेस है, ये हमारे राधा रानी का पटका है, सॉरी पटका नहीं दुपट्टा है, ये हमारे राधा रानी का लहंगा वाइट कलर में है। इनके पास वाइट ड्रेस एक ही है, धोती तो हम आपको दिखा चुके। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था इसके लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। ये देखिए उनके ब्लाउज, ये मेरे कान्हा जी के पटका, ये हमारी लाडो का लहंगा। देखिए कितना ब्रिटी है ना, इसमें रेशम वर्क और स्टोन वर्क मोती वर्क सब हुआ है। वैसे दुपट्टे में भी बहुत प्यारा वर्क है, आप देख ही पा रहे हैं, मिरर वर्क है, रेशम वर्क है, मोती का पूरा किनारे किनारे वर्क है। पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं दोस्तों, बहुत ही प्यारी लगती है इस ड्रेस में। वैसे तो मेरे ठाकुर जी कोई सा भी ड्रेस बनाओ तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये उनके ब्लाउज है, ब्लाउज प्लेन है। ये हमारे माधो जी का लहंगा है, लहंगा सॉरी करें धोती है। देखिए इसमें भी पूरे वर्क है, उनका पटका बहुत ब्रिटी सा बहुत प्यारा सा है। देखिए हमको उनका पटका बहुत प्यारा लगता है। देखिए ये ड्रेस तो आप देख ही चुके थे, ये हम इसको हैंड वॉश भी कर चुके हैं, आप देख ही रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा है। देखिए पूरे मूर्ति का करधन बना हुआ, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, साइड साइड में देखिए पूरी मूर्ति का करधन फ्लावर बना हुआ है, स्टोन वर्क मिरर वर्क सब। ये ब्लाउज उनका गिर गया है। ये हमारे युगल सरकार के जैकेट है, लाडो और मेरे माधो का। ये हमारी लाडो रानी का दुपट्टा है, दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा है इनका। ये जब हम दुपट्टा उनको पहनाते हैं इतनी प्यारी लगती हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे वीडियो में जाके देखिए, इस कपड़े में इस ड्रेस में भी उनका वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। साइड साइड में फ्लावर बने हुए हैं ना, तो उससे और निखर के वो सिंगार आता है उनका। ये मेरे माधो का धोती, ये देखिए मेरे माधव जी का पटका, बहुत प्यारे बहुत बहुत अच्छी ड्रेस बनाई थी। ये देखिए मेरी राधा रानी का लहंगा, देखिए पूरा मोती कितना प्यारा लग रहा है ना। देखिए 3-4 लेयर में है, आप देख सकते हैं। देखिए पीकॉक बना हुआ है, पूरा स्टोन वर्क है, मोती वर्क है, बहुत ही प्यारा डिजाइन बना कर दीदी दी थी हमको। देखिए ये हम ड्रेस मथुरा से मंगाए तो बहुत ही प्यारा ड्रेस पीकॉक वाली। ये हमारी राधा रानी का देखिए दुपट्टा है, उसमें भी वर्क है। उनके दुपट्टे पे सर पे जब रखते हैं ना तो वहाँ पे भी देखिए पिनअप किया हुआ है, जिससे दुपट्टा बीच में आराम से बैठ जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये हमारी राधा रानी का जॉकेट, ये हमारे कान्हा जी की धोती है ना, प्यारा सा कंट्रास्टिंग में दिया हुआ है, ये कंट्रास्ट कलर है, पर कान्हा जी के ऊपर ये कलर बहुत सुंदर लगा था। इसका भी वीडियो है, आप मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ये मेरे कान्हा जी का देखिए जॉकेट, देखिए कितना सुंदर है ना, स्टोन वर्क देखिए इसमें किया हुआ है, पर उल्टा ब्लाउज तो उनको उल्टा पहनाना पड़ता है, सीधा नहीं पहना सकते उनके। ये देखिए उनका पटका है, इसमें भी देखिए नीचे फुल वर्क किया हुआ है। ये देखिए बाहनी प्रिंट में है, ये हमारी राधा रानी जी का लहंगा है।
देखिए कितना प्यारा, कितना ब्यूटी है, है ना। मिरर वर्क 3 लेयर में ये भी है कि उनका जॉकेट है, जॉकेट थोड़ा बड़ा आ गया है, इसको काट के बाद में फिर हम छोटा करेंगे। अभी तो एक बार ही ड्रेस ये पहनी है, कोई भी ड्रेस है वो एक ही बार पहनी है, दोबारा नहीं पहनी है। उनका दुपट्टा है, देखिए उनका दुपट्टा कितना प्यारा, कितना सुंदर है। मिरर वर्क है, स्टोन वर्क है, देखिए देखिए कितना सुंदर ये मोती वर्क जो हुआ है ना, बहुत ही ब्यूटी है। पर पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है। आप धोती में देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि धोती थोड़ा डार्क कलर में है, देखिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना प्यारा है ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं इस ड्रेस में भी हमारे लाडो जी और मेरे कान्हा जी। देखिए मेरे कान्हा जी का पटका, इन सभी ड्रेस में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, सिंगार का भी वीडियो आप लोग बोल रहे थे तो आप बता दीजिएगा कि ये ड्रेस देख लीजिए, आपको किस ड्रेस में उनका सिंगार चाहिए, कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं उस ड्रेस में सिंगार करके दिखा दूँगी। लेकिन हाँ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी कमेंट आ रहा है सिंगार का भी, तो मैं सोच ही लाओ आप लोग से पूछ लेती हूँ किस ड्रेस में आप लोग को सिंगार देखना है। इसलिए आप ड्रेस अच्छे से देख लीजिए, फिर बताइएगा कौन सी ड्रेस ज़्यादा प्यारी लगी। देखिए ये ड्रेस देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, इस पे बड़े बड़े से फूल बने हुए हैं, बहुत ही हैवी है ये, हैवी वर्क है देखिए। वैसे भी तो मेरे ठाकुर जी के पास जितने ड्रेसेज हैं ना, सभी हैवी ही है, नॉर्मली तो बहुत कम है, मैं ज़्यादा नॉर्मली तो रखती नहीं हूँ, मुझे हैवी ही ज़्यादा पहनाना पसंद आता है। ये देखिए उनका दुपट्टा है मेरी लाडो का, देखिए यहाँ भी फुलकारी में पूरा काम किया हुआ है, अच्छा लगता है। देखिए चारों तरफ किया हुआ है, बैक में नहीं है, फ्रंट में है। ये मेरे माधव जी का धोती है, लेकिन धोती प्लेन कर दिए पता नहीं क्यों, धोती में थोड़ा वर्क रहता तो और अच्छा लगता। ये दो जैकेट हैं मेरी लाडो और माधव जी का, जैकेट तो दोनों लोगों का सेम ही रहता है, आपको तो पता है किसी किसी में कंट्रास्ट आ जाता है। ये हमारे माधव जी का पटका है, एक ड्रेस तो हमारे युगल सरकार पहन रखे हैं, अब तो देख ही रहे होंगे, दर्शन तो आपको मिल ही रहा होगा, उसमें भी बहुत प्यारी लगी हैं मेरी लाडो और मेरे माधव। मैं इन ड्रेसेस को ऐसे पैकेट में समेट के रख देती हूँ, तो इससे क्या होता है ना, ड्रेसेस गंदे नहीं होते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। आप लोग भी अगर ठाकुर जी हैं आप लोगों के पास, तो उनके ड्रेसेस इसी तरह से संभाल के अच्छे से कबर में करके रखेंगे, तो ड्रेसेस कभी ख़राब नहीं होंगे, धूल मिट्टी भी इनके ऊपर नहीं जाएंगे, गंदे भी नहीं होंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे। फिर मैं इसको अलग से एक पॉलिथीन में पूरा पैक करूँगी, फिर उसके बाद इसको बैग में करके रख दूँगी। देखिए ये भी मेरे लाड़ों का लहंगा है, देखिए पूरा फ्लावर है, देखिए इसमें भी पूरा स्टोन वर्क का पूरा मिरर और मोतियों की काम हुआ है, देख रहे हैं ना आप, नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। देखिए आप देख के ज़रूर बताइएगा कि मेरे युगल सरकार के ड्रेसेस आपको कैसे लगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरी राधा रानी पहनेंगी तो कैसी लगेंगी, कल्पना आप करिए। ये जैकेट है, जैकेट ऑलमोस्ट कुछ ड्रेसेज में तो प्लेन ही मिला है। ये हमारी लाडो जी का दुपट्टा, देखिए इसमें भी किनारे में फुलकारी का काम किया हुआ है, इस सर के ऊपर आता ना तो बहुत ही अच्छा लगता है।
देखिए जॉकेट, ये मेरे ठाकुर जी की जॉकेट है, माधो जी का। मैं उनको ठाकुर जी भी बोलती हूँ, माधो जी भी बोलती हूँ दोस्तों। देखिए है ना प्यारा, बहुत बड़ा पटका भी इनका काफ़ी बड़ा रहता है, छोटा नहीं रहता है, देख सकते हैं आप। ये उनकी धोती है, देखिए धोती में भी अच्छा काम हुआ है, कलर भी बहुत फाइन है, पीच कलर में है। देखिए अब इसमें देखिए पूरा मोती का काम ज़्यादा, नीचे में देखिए सारे मोती का काम हुआ है, ऊपर जो है स्टोन का काम हुआ है, स्टोन और कुंदन है, कुंदन का काम है, आप देख सकते हैं। इसका कलर सी ग्रीन है, पता नहीं क्यों कैमरे में फिरोजी कलर आ रहा है, पर इसका कलर सी ग्रीन है। ड्रेसेस सी ग्रीन में है लेकिन कैमरे में आपको फिरोजी कलर दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना दी हूँ, आप देख के बताइएगा ये ड्रेस मेरे ठाकुर जी के, मेरे गोल सरकार के ड्रेस कैसे लगे आपको। अच्छा लगेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा दोस्तों। देखिए है ना ब्रिटिश सा मेरे ठाकुर जी की धोती, बहुत प्यारी बहुत ब्रिटिश है ना। ये उनके जॉकेट हैं मेरे युगल सरकार के, जॉकेट तो दोनों लोगों का सेम ही है, आप लोगों को तो पता ही है। मेरे ठाकुर जी का पटका, अभी तो उनको आए हुए एक साल भी नहीं हुआ, जुलाई 12 जुलाई को इनका एक साल पूरा होगा, उनका जन्मदिन पड़ेगा, फर्स्ट जन्मदिन। अभी देखिए मैं इनके लिए कितने ड्रेसेस मंगाई हूँ, कुछ ड्रेसेस और है पर लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं मंगा पाई, वो भी बहुत ब्रिटी है, लॉकडाउन खुलने के बाद मैं मंगाऊँगी। देखिए कितना प्यारा है, ऐसे मैं कवर करके रख देती हूँ क्योंकि छोटे छोटे जैकेट रहता ना तो इधर उधर नहीं होता। ये देखिए ये भी लहंगा बहुत ही प्यारा बहुत ही ब्रिटी है, देखिए इसमें पूरा फ्लावर का वर्क किया गया है, पूरा स्टोन है, देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई बने हुए हैं दोनों साइड में, छोटे छोटे देखिए फ्लावर बने हुए हैं, ये देखिए देख रहे हैं ना वेलवेट से देखिए फ्लावर बनाया गया हुआ है रेड कलर में, फिर उसके बाद मोती से पूरा कढ़ाई किया गया है, देख पा रहे हैं दोस्तों। देखिए बटरफ्लाई कितना प्यारा लग रहा है ना। ये हम तीज के टाइम सावन में मंगाए थे ड्रेसेस, ये सावन में मेरे ठाकुर जी एक बार ही पहने हैं, कोई भी ड्रेस एक ही बार मेरे ठाकुर जी पहने हैं, हर बार उनको नया ड्रेसेस ही पहनते हैं। अभी लग अब देखिए आगे क्या होता है, अब तो इन्हीं में से पहनाना पड़ेगा जब तक लॉकडाउन नहीं चालू होगा। देखिए है ना ब्रिटिश, इसमें भी सर पे पिनअप किया हो गया है कि ताकि राधा रानी का लहंगा अच्छा लगे, दुपट्टा सर से सर के नहीं अच्छा लगे। ये देखिए फ्लावर पूरा कितना अच्छा लग रहा है ना, ये हमारे युगल सरकार की जैकेट है, देखिए इसमें पूरा स्टोन वर्क जैकेट में है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये मेरे ठाकुर जी का पटका, देखिए दिखा दोस्तों दोनों साइड में, देखिए स्टोन का काम इसमें भी हुआ है। ये लहंगा देखिए कितना प्यारा है, बारीक वाला वर्क है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा इसमें कलाकारी किया गया है, और ये लहंगे में तो बहुत ही सुंदर लगती हैं मेरी राधा रानी और मेरी युगल सरकार।
देखिए आप देख पा रहे होंगे डिजाइन, देखिए आप, मुझको ज़्यादा बताने के सब पूरा मोती का काम और नग का काम है ये, देखिए बहुत पतले पतले छोटे छोटे काम 3 लेयर में बनाया गया है। ये मेरी राधा रानी जी का देखिए दुपट्टा, दुपट्टा भी देखिए कितना प्यारा बना हुआ, उस पर भी पूरा वर्क किया गया है, पूरा मोती जड़ी का, ये पूरा जड़ी का काम है, मोती और जड़ी का काम इसमें हुआ है। देखिए बहुत ही प्यारा ड्रेसेस है इनका, हर कलर में है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ड्रेसेस है। ये उनकी जैकेट है मेरे युगल सरकार जी का, देखिए ये हमारे माधव जी के, देखिए धोती कितना प्यारा लग रहा है ना, देखिए बहुत, ये धोती पहनते तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस ड्रेस में आपको वीडियो चाहिए। देखिए आपको सिंगार की वीडियो वैसे भी आप लोग पूछे ही हैं, तो आप बता दीजिएगा किस ड्रेस में चाहिए, तो मैं उस ड्रेस में करके दिखाऊंगी। पटका देखिए, पटके में भी देखिए पूरा बारीक वर्क काम किया गया है, क्योंकि देखिए ये लहंगा देखिए कितना सुंदर है, देखिए आप देख पा रहे होंगे पूरा मोती, पूरा चिमकी, पूरा मतलब बहुत ही अच्छे से इसमें वर्क किया गया है, जिस मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही देखिए आपको समझ में आ जाएगी। एक एक ड्रेस सोचिए हम किस तरीके से इनका मंगाते हैं और कैसे मंगाते हैं, सारी शॉपिंग मुझे ऑनलाइन ही करते हैं करनी पड़ती है, और किस तरह से हम चॉइस करते हैं आप देखिए, मेरा चॉइस कलेक्शन कैसा है आप ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं दोस्तों तो अच्छा लगता है। पगड़ी का वीडियो भी हम 2-3 दिन के अंदर आपको दे देंगे दोस्तों। देखिए देखिए कितना प्यारा है ना, दुपट्टा भी देखिए हमारी राधा रानी जी का कितना प्यारा, कितना सुंदर है। ये हमारी राधा रानी दीपावली में पहनी थी ड्रेसेस बस एक बार, देखिए देखिए बहुत प्यारा लग रहा है ना। मेरी माधव की धोती देखिए ना कितना प्यारा है, आगे भी है वर्क पीछे भी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ पीछे में भी बहुत प्यारा, देखिए नीचे में भी काम हुआ है, पीछे में भी पूरा काम हुआ है, देखिए ये हमारे माधव जी का पटका है, पटके में भी पूरा काम है, देखिए आप नीचे में, नीचे में किनारे में लैस लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि ड्रेसेस का वीडियो है तो थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों, तो फुल वॉच ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये दोनों जैकेट हैं मेरे युगल सरकार जी का, आप देख के बताइए। देखिए पीछे में चिपकाने के लिए भी दिया गया है, आप उनको पहना के चिपका दीजिए। ये ड्रेस देखिए हमारे ठाकुर जी होली में पहने थे, इसमें भी बहुत ही सुंदर निखर का रूप आया था उनका, ये भी देखिए बहुत बारीक काम है और बहुत ही सुंदर। ये मेरी राधा रानी जी का लहंगा है, मैं क्या बोलूँ, आप खुद देख लीजिए, आप देख के बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा। देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ड्रेस है, नीचे में पूरा देखिए स्टोन है, बैक में भी देखिए पूरा लहंगा जो है पीछे तक कवर हो जाता है। मेरा ज़्यादातर तो लहंगा पीछे से कवर हो जाता, हुक भी लगा रहता है, देखिए ये है मेरे राधा रानी जी का दुपट्टा। देखिए दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा, काफ़ी हैवी है, देखिए कोई छोटा मोटा दुपट्टा नहीं है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों।
बहुत ही प्यारा, ये हम वृंदावन से लेकर आए थे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब अच्छा ड्रेसेस हमको मिला वृंदावन में। देखिए जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना बड़ा, कितना चौड़ाई, देखिए इसका चौड़ाई से आप पता लगाइए दुपट्टा कितना हैवी है, कितना सुंदर बनाया हुआ है। अब चलिए हम दिखाते हैं अपने माधव जी की ब्लाउज। देखिए ब्लाउज में भी पूरा काम किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, देख लिए ना, बहुत ही हैवी ड्रेस है ये। अभी तो गर्मी है, गर्मी में तो इस ड्रेस को नहीं डाल सकते हम, देखिए, पर बहुत सुंदर लगती है मेरी राधा रानी और मेरे माधो, पहन लेते हैं तो दूल्हा और दुल्हन की तरह एकदम लगते हैं। जब सिंगार हो जाता है क्या मन तो करता है उनको देखते ही रहूं। देखिए कलर बहुत प्यारा है ना, ये मेरे माधो जी का पटका है। देख रहे हैं ना पटके पे कितना प्यारा, कितना अच्छा वर्क किया हुआ है, दोनों साइड आपको हम दिखा दिए, देखें ना दोस्तों, देख के ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो मेरा वीडियो आगे भी जाएगा। देख लीजिए आप सारे कलेक्शन, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया ये भी बताइएगा। आप लोग का रिक्वेस्ट हम पूरा किए, आप लोग कितने दिन से बोल रहे थे दीदी ड्रेसेस का बनाइए वीडियो, ड्रेसेस का वीडियो बनाइए, चलिए आपका आज विश मैं पूरा कर दी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा। आप ज़रूर बताइएगा आपको कौन से ड्रेस में सिंगार चाहिए, ये कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का कमेंट पूरा करना मेरा काम है। आप लोग भाई इतने अच्छे से मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो आप लोग का कमेंट पूरा करना मेरा भी फ़र्ज है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस ड्रेस में आपको सिंगार चाहिए। देखिए मेरे सभी ठाकुर जी के कलेक्शन कैसा लगा, एटलीस्ट अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।